नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज में। पटना में जिस तरह से 3 से 4 दिनों की बारिश ने कई इलाकों में जल जमाव कर दिया, उसके बाद से अब प्रशासन टाइट हुआ है और कई इलाकों से पानी जो है निकाला जा रहा है। वहीं कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है और जिस तरह से पानी का जल जमाव जो है वो लगातार पटना के कई इलाकों को प्रभावित कर रहा है, डेंगू का खतरा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए आज हम पटना के PMCH के इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़े हैं। हम PMCH इमरजेंसी वार्ड के अंदर जाएंगे और वहाँ पर जो डेंगू वार्ड है उसके अंदर जाकर वहाँ के हालात का जायज़ा लेंगे कि अभी यहाँ पर कितने मरीज़ हैं, किस तरह से उन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा है और क्या कुछ हॉस्पिटल का जो अरेंजमेंट है डेंगू मरीजों के लिए, क्या कुछ अरेंजमेंट है, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। PMCH के इमरजेंसी में फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं जहाँ पर डेंगू वार्ड है। आपको अब हम डेंगू वार्ड के अंदर लेकर चलते हैं। तो ये डेंगू वार्ड के कुल यहाँ पर 4 वार्ड हैं, लेकिन उसमें से 3 वार्ड अभी खुले हुए हैं क्योंकि मरीजों की जो संख्या है वो अभी उतनी नहीं है कि चौथे वार्ड को खोला जाए। तो ये अब हम डेंगू वार्ड के अंदर मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर डेंगू के जो मरीज़ हैं वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मच्छरदानी लगी हुई है और इनका इलाज जो है वो डॉक्टर जो नर्स हैं उनके इलाज में लगे हुए हैं। आपको बता दें, पटना में जिस तरह से लगातार 3 से 4 दिनों की बारिश में कई इलाकों में जल जमाव हुआ, इसको लेकर डेंगू का खतरा भी काफ़ी बढ़ गया था। इसके बाद हम लोगों ने पटना के PMCH के डेंगू वार्ड में आके यहाँ पर जानकारी लेनी चाहिए कि अगर डेंगू के मरीज बढ़ते हैं तो उस हालात में PMCH में किस तरह से उनका ट्रीटमेंट जो है वो हो सकता है। और यहाँ पर जो डेंगू के इलाज के लिए जो मरीज आए हैं, उनके परिजन आए हैं, किस तरह से यहाँ पर उनको इलाज मिल रहा है, इस इलाज से वो खुश हैं या कोई शिकायत है उनकी, हम उन्हीं से जानते हैं। कब आई थी आप लोग? कल सुबह में आई। इलाज कैसा मिल रहा? अभी तो ठीक ठाक। अभी ठीक है, कुछ कमी लग रही है, कुछ जरूरत नहीं अभी तक? नहीं। कहाँ से आई? हाजीपुर से। डेंगू कब हुआ था? परसों। अभी कैसी तबीयत है? ठीक है। ठीक है, इलाज ठीक हो रहा है? हाँ। क्या नाम हुआ? सुहानी कुमारी। कहाँ से आएंगे? हाजीपुर। क्या हुआ था आपको? डेंगू का शिकायत। कब हुआ था? 1 तारीख से। 1 तारीख को जी। अच्छा, ट्रीटमेंट मिल रहा है? अच्छा। ट्रीटमेंट से खुश है? जी जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम MD इमरान हुआ। कहाँ से आए? मैं कटिहार से। डेंगू हुआ था? कब हुआ था? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले हुआ था जी। इलाज यहाँ पर ठीक मिल रहा है? हाँ, बहुत सही है। यहाँ के इलाज सब खुश है जी? कुछ कमी लग रही है? नहीं, कोई कमी नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इकरार आदम। कहाँ से आए? मैं यहीं से पटना में रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। क्या हुआ आपको? जी, डेंगू हो गया था। डेंगू कब हुआ था? करीब 7-8 दिन पहले। कब हुआ था? 7-8 दिन पहले। 7-8 दिन पहले हुआ था। ट्रीटमेंट किस तरह से मिल रहा है? ट्रीटमेंट का यहाँ मिजाज कुछ ठीक ठाक नहीं है। किस तरह से इलाज नहीं है, जिस तरह से होना चाहिए? कुछ कमी लग रही है? कमी लग रही है, यहाँ पे नर्स लोग या फिर डॉक्टर लोग जो है अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कुछ कमी रह जा रही है। पहले से अब तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है। पहले से प्राइवेट में दिखाए थे तो वहाँ पे प्लेटलेट्स लगभग ज़्यादा कम गया था, 22,000 हो गया था। यहाँ पे कुछ कंट्रोल हुआ? जी, यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। तबीयत पहले से ठीक है लेकिन यहाँ की सर्विस से खुश नहीं है। आपका नाम बताइएगा। जी, सुमन शर्मा। कहाँ से आए? गया जिला। तो ये कुछ मरीज थे, कुछ मरीज़ तो खुश हैं यहाँ के इलाज से, वहीं कुछ मरीज़ जो हैं यहाँ के इलाज से खुश नहीं हैं। उनका ये मानना है कि प्राइवेट में इलाज अच्छा हो रहा था। अब हम बात करते हैं डॉक्टर राजेश से, जो कि यहाँ पर कंट्रोल रूम में यहाँ के हेड हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो डेंगू वार्ड के मरीजों को लेकर, आप सुने। देखिए, अभी डेंगू का ब्रीडिंग सीजन है, डेंगू अभी काफ़ी जोड़ों इसी सीजन में फैलता है और यहाँ पर हम लोग ऊपर में डेंगू वार्ड खोले हुए हैं जिसमें आज के डेट में 23 मरीज हम लोग रखे हुए हैं और सभी मरीजों का इलाज हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, सारी दवाएँ हम लोग यहीं से दे रहे हैं। एक स्पेशल मसहरी अब आती है, मॉस्किटो नेट, जो वो हम लोग दे रहे हैं, जो मेडिकेटेड है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का मच्छर का असर नहीं होता है और मच्छर उसको सटने से फिर मर जाता है या ये हो जाता है। दूसरी एक सारी दवाएं हम लोग यहीं से दे रहे हैं और रूम को फ्यूमिगेट किया गया है और चारों तरफ PMCH को भी फ्यूमिगेट कराया गया है,
जिससे मच्छरों का प्रकोप जो है बहुत कम हो गया है। सभी मरीज ठीक होकर जा रहे हैं, यहाँ एक भी कैजुअल्टी नहीं हुआ है, अभी तक एक भी कैजुअल्टी नहीं हुआ है। कुछ मरीजों से हमने बात की, कुछ मरीज तो इलाज से खुश है लेकिन कुछ मरीज थोड़े सा नाराज है, इलाज से खुश नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है वो मरीज कहीं बाहर से आए हों, लेट करके आए हों। यहाँ पर सारे मरीज जो हैं वो सब लोग ठीक हैं और सब लोगों को पूरी की पूरी सुविधा हम लोग दे रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा डॉक्टर राजेश कुमार हुआ, मैं कंट्रोल रूम PMCH से। तो ये थे डॉक्टर राजेश कुमार, इन्होंने ये जानकारी दी है कि इस वक्त पटना के PMCH में डेंगू वार्ड में लगभग 23 मरीज हैं, वो एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि PMCH का जो अस्पताल प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और अभी तक डेंगू के मरीज जो यहाँ पर आए हैं, जीरो कैजुअल्टी अभी यहाँ पर हुई है और उन्होंने कहा है कि अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि डेंगू के मरीजों की संख्या अगर बढ़ती है तो उसके लिए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं जब हमने मरीजों से ट्रीटमेंट के बारे में बात की तो कुछ मरीज तो यहाँ के ट्रीटमेंट से खुश हैं, वहीं कुछ मरीजों का ये कहना है कि प्राइवेट में जो इलाज होता उसकी बात ही अलग होती। फिलहाल पटना में जिस तरह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, ये खतरा बढ़ गया है कि कहीं डेंगू भी अपने पैर ना पसार ले और इसीलिए आज हम पटना के PMCH के डेंगू वार्ड में गए और यहाँ की हालात का जायज़ा लिया। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर ज़रूर जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।